तमाम देखने वाले दोस्त अहबाब को अली फ़िरोज़ ज़मानी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। जहाँ कहीं से भी आप मुझे देख रहे हैं, आप सबको दिल की गहराइयों से एक दफ़ा फिर इस YouTube चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। अभी आप दोस्त मेरे चारों तरफ के इन्वायरमेंट देख के आपको मालूम हुआ ही होगा कि मैं किस जगह पे मौजूद हूँ, या आपको यहाँ के बताने का मकसद क्या है, या ये जो एरिया है इसको देखकर आपके जहन के अंदर कुछ सवालात, कुछ ख्यालात और इस हवाले से कुछ ना कुछ पैदा हुआ होगा कि मैं एक ऐसे जगह में मौजूद हूँ जहाँ पर चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी मौजूद है। इस ग्रीनरी के ऊपर ये जो फेरी मीडोज़ है, इसके ऊपर खूबसूरत किस्म के पहाड़ मौजूद हैं। इन पहाड़ों के इर्द गिर्द बहुत सारे कुदरत के शाहकार से भरपूर बहुत सारे जंगली दरख्त भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ इन पहाड़ों के ऊपर बिल्कुल साफ सुथरी, बिल्कुल सफ़ेद किस्म का बादल जो है वो चल रहा है। इन बादलों के नीचे एक बिल्कुल सफ़ेद वाइट कलर का एक हसीन देखते ही आंखों को चमकाने वाली बर्फ़ मौजूद है। और इसके साथ साथ ये जो एरिया है, इस एरिया में पहुँच कर एहसासात, जज्बात और इस मंज़र को देखकर जो जहन के अंदर एक तस्वीर कशी होती है, इसकी कोई सानी नहीं होती है। जी दोस्तों, ये जो एरिया है ये डिस्ट्रिक्ट नगर का खूबसूरत इलाका वादी हिस्स पर से तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पे मौजूद एक खूबसूरत किस्म का फेरी मीडो मौजूद है। मेरा कप पर आपको नजर, देखो कितनी ज़्यादा कुदरत के शाहकार मौजूद है, कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। इस एरिया में मेरे चारों तरफ देखें मुख्तलिफ़ किस्म के फूल, रंग बरंगी फूल है। इन फूलों के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के इस वक्त यहाँ पे परिंदे भी मौजूद है। इन परिंदों का चहचहाने का आवाज़, इसके अलावा यहाँ के जो हवा चलने का अंदाज़, यहाँ के जो पहाड़ों से निकलने वाली जो एक तासुरात है, गोया यहाँ की जो पहाड़, यहाँ के दरख्त, यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ के हर चीज़ हमसे बातें कर रही होती है। इनके अंदर एक अजीब किस्म का एक सन्नाटा है, इनके अंदर एक अजीब किस्म की एक खामोशी है। इस खामोशी के अंदर एक पैगाम है, इस खामोशी के अंदर एक मैसेज है। क्योंकि जब हम ऐसे जगहों पे जाते हैं तो हम हमारी जो फोकस होती है वो फ़कत यहाँ की ब्यूटी पे होती है, नेचर ब्यूटी पे होती है। लेकिन आप जब यहाँ पे आए या ऐसे इलाकों का दौरा करें तो आप दोस्त इस इलाके में मौजूद जो सन्नाटा है, इस हवाले से भी आप थोड़ा सा जो है गौर फिक्र करें। क्योंकि यहाँ की जो चीज़ है, हर चीज़ खालिस है। यहाँ पर आपको कोई भी मिलावट हुई चीज़ नज़र नहीं आई, यहाँ पर कोई भी चीज़ इंसानों ने नहीं लगाई, यहाँ पर जो भी हो नेचुरल प्लांटेड है या खुद उगी है, या यहाँ पर किसी इंसानों ने हाथ नहीं लगाया है। यहाँ जो एरिया है, इस एरिया में ज़्यादातर यहाँ के मुकामी लोगों के जानवर भी यहाँ पर लाते हैं, क्योंकि यहाँ पर घास बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ये जो एरिया है जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद एरिया है। ये जो एरिया है यहाँ पर, इस एरिया में आकर जब आप थोड़ा सा इस तरह टेक लगा के जब थोड़ा सा नींद करेंगे ना, वाह क्या मज़ा आता है। इस तरह यहाँ पर काफ़ी ट्रेवल करने के बाद मैं बहुत थक गया था, इसलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है वो लेट गया हूँ। यहाँ लेटने के बाद एक अजीब सी एक आवाज़, हवा की आवाज़, परिंदों की आवाज़, यहाँ के लैंड स्लाइडिंग की आवाज़ और इवन यहाँ की जो हर चीज़ के अंदर मैसेज है। आप दोस्त अगर ऐसे इलाकों का दौरा करें तो आप भी इस खामोशी की जो अंदर एक मैसेज है, इसको आप ज़रूर लेने की कोशिश करें। अभी यहाँ पे ये जो एरिया मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, ये जो एरिया बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, पुरामन, चारों तरफ देखिए कितनी ज़्यादा ग्रीनरी मौजूद है। इस ग्रीनरी के अंदर हर किस्म के रंग बिरंगी फूल लगे हुए हैं। जब यहाँ पे आएंगे ना, यहाँ पे आकर आप जो है आपके तासुरात, आपके एक्सप्रेशन से खुद आपको कुछ बताएंगे, क्योंकि बातों के अंदर यहाँ की जो दिलफरेब मंजरनामे हैं ये तो हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि अल्फाज के अंदर इतनी ज़्यादा वजन नहीं होती है जितनी ज़्यादा इसके अंदर खूबसूरती है। तो आप दोस्तों को बताने का मकसद यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है, इससे बढ़कर यहाँ की जो खामोशी सन्नाटा है, इस हवाले से अभी आपको बताना था। अभी इंशाल्लाह अभी ऊपर जो आपको
नज़र आ रही है टहलवान। अभी मैं वो भी क्रॉस करने वाला हूँ, क्रॉस करके ऊपर इंशाल्लाह मैं पहुँच जाऊँगा। पहुँच के वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाना है, अभी आपको कुछ और भी बहुत सारे बातें बताना है इंशाल्लाह। आगे बढ़ते जाएंगे, आपको बताते जाएंगे, दिखाते जाएंगे इंशाल्लाह। आप जुड़े रहिएगा और इस वीडियो के हवाले से आप दोस्त भी अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, मुझे अपने सजेशन से ज़रूर, फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और आप दोस्त भी मुझे मेरे इस हौसला अफजाई के लिए आप एक लाइक भी कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपके दिल ने इजाज़त दी तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना आप जा सकते हैं, या आपकी मर्ज़ी है। तो इंशाल्लाह भी मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, मज़ीद बहुत सारे चीज़ें आपको दिखाना बाकी है। तो इंशाल्लाह भी आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अल्लाह हाफिज़।